देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कुछ वर्षों पूर्व उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन गाकर सुर्खियां बटोरने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल दो दिन पूर्व कांग्रेस में जाने वाले बयान और उसके बाद अब कांग्रेस में नहीं जाने वाले बयान को लेकर काफी चर्चित हैं। इस पूरे वाक्य से भजन गायक मित्तल की छवि पर भी काफी असर पड़ा है। हाल ही में भजन गायक कन्हैया मित्तल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सनातनी सिर्फ भाजपा में ही रहे जरूरी नहीं, वे कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं और इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। अभी हम हैं मेहंदीपुर बालाजी में, आज रात को यहां कीर्तन है श्री राम आश्रम में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं शाम को 7 बजे से। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी हैं तो उनकी माँ नहीं बदल जाती, ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। वहीं आज भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपना दूसरा वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनके कांग्रेस में जाने से सनातनी दुखी हैं और उनसे गलती हुई है कि उन्होंने अपने आप को कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए वीडियो जारी किया। मित्तल ने कहा कि उन्हें अब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे खूब प्रेम और स्नेह रखता है और इसीलिए वे अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार भजन गायक कन्हैया मित्तल ने पहले कांग्रेस में शामिल होने और बाद में नहीं होने का वीडियो जारी कर कहीं ना कहीं अपनी इमेज साथ खिलवाड़ कर लिया है। इस मामले में एक बात और सामने आ रही है कि हाल ही में हरियाणा की किसी सीट से भाजपा से कन्हैया मित्तल का नाम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सामने आया था, किंतु पार्टी ने मित्तल को टिकट नहीं दिया और इसी से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने जैसा बयान जारी कर दिया। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो
तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं। और आप मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।